कुरान मजीद की अहम तरीन आयत है, ए कॉम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन ऑफ हु इज ए मोमिन, जिसको इस्तलाह में कहा जाता है जामे और माने तारीफ, जामे और माने तारीफ। किसी चीज को डिफाइन करें इस तरीके से कि कोई शय जो उसके बाहर है वो उसमें दाखिल ना हो जाए और कोई शय जो उसका जुज है बाहर ना रह जाए, जामे भी हो उसके तमाम अज्जा उसमें आ जाए और माने हो कि कोई शय जो उससे मुनासबत ना रखती हो उसमें शामिल ना हो सके। जामे और माने तारीफ मोमिन की वो इस आयत में, आयत नंबर 15, इन्नम अल्मोमिनून अल्लज़ीन आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यरताबू। अब यहां भी वो उस्लूब हसर है इन्नमा, और हसर का मफहूम मैं कई दफा समझा चुका हूं कि आप कहें कि जैद आलिम है, इससे दूसरों के इल्म की नफी नहीं हुई, और भी हो सकते हैं, जैद ही आलिम है तो दूसरों की नफी हो गई कि इस मजमे में सिर्फ एक आलिम है और वो जैद है, बाकी कोई आलिम नहीं, इसे हसर कहते हैं। तो मैंने चूंकि कहा है कि मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन ऑफ हु इज अ मोमिन, इसका आगाज भी हसर से है, इसका इख्तिताम भी हसर पर है, इन नबा कलमा हसर है, और आखिर में उलाए का हुमुस सादिकून वो भी उसलूब हसर है। इन्नम अल मोमिनून अल्लज़ीन आमनु बिल्लाहि व रसूलिही सुम्म लम यरताबू। मोमिन तो सिर्फ वो है जो ईमान लाए अल्लाह पर और उसके रसूल पर, फिर शक में हरगिज नहीं पड़े। ये फिर लम आ गया, यहां मरताबू नहीं आया, लम यरताबू, हरगिज शक में नहीं पड़े। ये वाहिद मकाम है कुरान का जहां पर कि ये लफ्ज इजाफी तौर पर आया है ईमान के बाद, सुम्म लम यरताबू, यरताबू बना रैब से शक। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फी, इरताबा यरताबो शक में पड़ जाना, मलम यरताबू फिर शक में हर चीज नहीं पड़े। उनका दिल ईमान पर यकीन के साथ मामूर हो गया। चुनाचे पॉजिटिव अंदाज में यही शान बयान हुई है सहाबा की अक्सरियत की इसी सूरह हुजरात में, फरमाया गया सहाबा किराम से, वलाकिन अल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान वज़य्यनहू फी कुलूबिकुम, अल्लाह ने तो तुम्हारे नजदीक ईमान को महबूब बना दिया है और तुम्हारे दिलों में खुपा दिया है, मुज़य्यन कर दिया तुम्हारे दिलों को ईमान से, मुनव्वर कर दिया तुम्हारे दिलों को ईमान से। तो यहां फरमाया इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीन आमनु बिल्लाहि व रसूलिही सुम्म लम यरताबू, इज़ाफ़ी शर्त, व जाहदू बि अमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह, और जिहाद किया उन्होंने अपने मालों के साथ और जानों के साथ अल्लाह की राह में, यह दूसरी शर्त लाजिम। या जिहाद के बगैर कोई ईमान नहीं, ये जामे और माने तारीफ है। उलाए का हमुस सादिकून, सिर्फ ये लोग सच्चे हैं, ये अगर दावा करें आमन्ना तो ठीक है, इनका दावा सही है, दुरुस्त है, लेकिन ये दो प्री रिक्विजिट्स पूरे करने होंगे। अब इसको मैं समझाने के लिए कहा करता हूं कि देखिए ये पांच अरकान तो इस्लाम के हो गए, कलमा शहादत, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। इसमें जब हकीकी ईमान दिलों में उतर जाएगा तो एक तो रुकन यहां इजाफी हो जाएगा, यकीन कल्ब, सिर्फ गवाही नहीं, सिर्फ वर्बल अटेस्टेशन नहीं, यकीन कल्ब भी, और दूसरा अमल में आ जाएगा जिहाद फी सबीलिल्लाह। वो पांचों अरकान कायम रहेंगे, इस्लाम आम है, ईमान खास है, तो इस्लाम के पांच अरकान तो है मौजूद, वो तो शामिल रहेंगे। अगरचे जाहिर बात है जब दिल में यकीन पैदा हो जाएगा तो अब नमाज की शान कुछ और होगी।